क्वेश्चन को लिखने जाओगे आप लोग, तो मेरे को लगता है हाफ पेज तो ले लेगा क्वेश्चन ही। तो कई बच्चे क्वेश्चन छोड़ देते हैं, एक्चुअली में छोड़ देते हैं कि सर बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कौन टाइम वेस्ट करेगा, जो एक्चुअली करना नहीं होता है बेटा, क्योंकि वो आपको सोल्यूशन नहीं बोलता है कि आप सॉल्व करके दो, ये करो वो करो, वो सिंपल सा आपको ये बोलता है कि मुझे एक फॉर्मुलेट करके दो कि इस क्वेश्चन को मैक्सिमाइज कैसे किया जाए, मिनिमाइज कैसे किया जाए। तो इस चीज को समझने के लिए बेटा लोग आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा इनके कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को। तो मैं जरा एक एक करके आप लोगों से पूछकर कंफर्म कर लेता हूं। सबसे पहले बेटा बताइए मुझे कि डिसीजन वेरिएबल क्या होता है, जल्दी जल्दी बताइएगा। सब लोग शांत हो गए, मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो, आ रही है सर। जरी बोलिए, डिसीजन वेरिएबल क्या होता है बच्चा लोग? देखो ये सब चीजें ना आप लोगों को डरा सकती है, इसलिए मैं सबसे पहले कुछ थियोरेटिकल पार्ट समझा देता हूँ। डिसीजन वेरिएबल क्या होता है ये बताओ, किसी को मालूम है डिसीजन वेरिएबल क्या होता है? नहीं नहीं मालूम है। फिर आपको ऑब्जेक्टिव मालूम है बेटा लोग? ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हाँ सर मालूम है। ऑब्जेक्टिव का मतलब आप सीधा सीधा समझ सकते हो कि सर टारगेट क्या है आपका, टारगेट बताओ। एलपीपी में हम क्या करेंगे वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन ये सारे चीजों से आप लोगों को फैमिलियर होना बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्टिव क्या होगा, फिर बेटा आता है इसमें कंस्ट्रेंट आता है, क्या आप लोग कंस्ट्रेंट जानते हो, कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? सुना सुना। अच्छा तो हाँ पढ़े। कंस्ट्रेंट क्या होता है? जिसमें लास्ट में वो ग्राफ जैसा ड्रॉ करते हैं और मैक्सिमम वैल्यू। ये सारी चीजों को दिमाग में फिट करते जाइए, क्योंकि जब एक बड़ा सा क्वेश्चन दिखोगे, क्योंकि आप लोगों ने बोला था, मुझे याद है कि सर आपका एलपीपी 6 मार्क्स का आएगा, तो मैंने आपको बोला था कि या तो पूरा का पूरा ग्राफिकल होगा, या तो पूरा का पूरा ऐसा होगा कि मिक्सर ऑफ ग्राफ एंड वर्ड प्रॉब्लम्स होगा, कि कुछ आपको वर्ड प्रॉब्लम दे दिया, उसको बोला ग्राफिकली सॉल्व करके देखा, ऐसा ही होगा 6 मार्क्स का। सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम नहीं देगा कि फॉर्मूले, वो 3 मार्क्स में आता है, 6 मार्क्स में नहीं आएगा, ठीक है? तो कंस्ट्रेंट क्या होता है ये भी आपको सीखना बहुत जरूरी है। अच्छा इसको समझने के लिए ना एक काम करते हैं अपन लोग, एक मिनट रुक जाओ। हाँ जी बेटा लोग, चलो अपन लोग कंटिन्यू करते हैं। नया नया जगह है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, एनीवे कंस्ट्रेंट क्या होता है उस पर भी ध्यान देना हो। चलिए इन सारी चीजों को समझने के लिए मैं आप लोगों को एक काम दे रहा हूं, देखिए, और यहीं से आप लोगों को समझना है सारी ही चीजों को। बेटा मान लो कि आपके पास एक कंपनी है, समझते जाइएगा ध्यान से, क्योंकि क्वेश्चंस भी इसी में आएंगे, डाइट प्रॉब्लम आएगा, कंपनी का प्रॉब्लम आएगा, और पता नहीं कैन कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आते हैं, मशीन्स के टाइप पे प्रॉब्लम्स आएंगे। तो इतना ध्यान नहीं देना है, अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि सर क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, क्या करना है, बस सीधा सीधा। बेटा मान लो कि आप कोई चीज बनाना चाहते हो, सपोज करिएगा लेट्स से कि आप 3 चीजें मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं एंड तीनों का नाम है ए बी सी। ये आपका बेटा ए बी सी जो आप मैन्युफैक्चर करना जा रहे हो कि सर मुझे ये मैन्युफैक्चर करना है, बेटा इसको बोला जाता है डिसीजन वेरिएबल। कि आपको एक्चुअली करना क्या है मुझे वो तो बताओ, कि आप कौन से चीज को मैन्युफैक्चर करना चाहते हो, कौन से चीजें कंज्यूम करना चाहते हैं आप लोग, उसी को बोला जाता है डिसीजन वेरिएबल। ओके, उसके बाद आता है बेटा ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है ये है कि आप मुझे बताओ कि आप इन तीनों चीजों को बना करके प्रॉफिट कमाना चाहते हैं या लॉस में जाना चाहते हैं। ऑब्वियस बात है कि जब बनाने की बात आएगी तो लोग प्रॉफिट बढ़ाने की बात करेंगे, लेकिन जब डाइट प्रॉब्लम्स आएंगी, मतलब वेट लॉस करना है कि कम करना है, तो लोग ज्यादातर मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। तो प्रॉफिट आपका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा बेटा, आइदर आप मैक्सिमाइज करोगे, मैक्सिमाइज, या तो आप कोई भी चीज को मिनिमाइज करने की कोशिश करोगे, यही सभी लोगों का ऑब्जेक्टिव होता है। नाउ द कंस्ट्रेंट इज, कंस्ट्रेंट क्या है वो समझिए। कंस्टेंट बेटा ये होता है कि जब आप कोई भी चीजें करने जाते हो तो कई सारे कंडीशंस निकल के आती हैं कि सर ये है वो है ये नहीं है। अब मान लो कि अगर आपने ये 3 चीजें बनाना शुरू किया और आपके पास कमी आ रही है, किस किस चीज की कमी आ सकती है, टाइम की आ सकती है। तो मान लो आप दिवाली की टीम आप बना रहे हो, कोई क्रैकर्स बना रहे हो और लोगों ने बोल दिया कि मेरे को यही डिजाइन का क्रैकर चाहिए,
मेरे को सुतली बम चाहिए कि पड़ोसी के घर में फेंक के आ जाओ। ऑब्वियस बात है ना कि जब एक चीज का डिमांड बढ़ा तो उसके लिए मुझे मैन पावर लगाना पड़ेगा, क्योंकि टाइम का कंस्ट्रेंट है। अगर कम टाइम में ज्यादा बनाना है तो आपको ज्यादा लोगों को हायर करना पड़ेगा, टाइम का कंस्ट्रेंट हो सकता है। क्या सर सिर्फ टाइम से हमारा बन जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं, सिर्फ और सिर्फ टाइम से नहीं बनेगा। आपको क्या करना पड़ेगा एक्चुअली में, उतना रिसोर्सेस भी तो लगेंगे आपके लिए। अब ऐसा थोड़ी है कि आपने बस टाइम कर लिया, मैन पावर बढ़ा लिया एंड रिसोर्सेस ज्यादा से ज्यादा ला दिए तो ये आपका हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैन पावर की भी तो नीड होगी, और क्या क्या हो सकती है बेटा, मशीन्स भी चाहिए रहेंगे, तो मशीन्स हम लोग जनरली रिसोर्सेस में ही डाल देते हैं, ठीक है। तो बेटा ये सारी चीजें जो है ना, ये सब कंस्ट्रेंट में लिखा जाता है। समवन इज सर इंटीग्रेशन कब होगी? बेटा इंटीग्रेशन हो जाएंगे यार, थोड़ा पढ़ा ले लो, मुझे करा देंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो, बहुत आसान है वो। हाँ जी, तो बेटा टाइम, रिसोर्सेस, मैन पावर, मतलब कोई चीज जो आपके लिए कंडीशनल है कि मुझे इतना ही है और उतने में ही काम को करना है, उसको बोला जाता है कंस्ट्रेंट। अच्छा, नए नई चीजों, अब इसमें कंस्टेंट में बेटा टाइप्स निकल के आ जाएंगे, लाइक नॉन नेगेटिव कंस्टेंट क्या हो सकता है? नॉन नेगेटिव कंस्टेंट ये होता है बेटा कि अगर आप कोई चीज मैन्युफैक्चर करना चाह रहे हो तो ऑब्वियस बात है कि आप, मैं बोलूं कि मुझे -5 यूनिट ए बनाकर दो या ए मैन्युफैक्चर करो, तो ऑब्वियस बात है आप नहीं कर पाओगे। रीजन इज कि कोई चीज नेगेटिव थोड़ी मैन्युफैक्चर होगी, तो इसको बोला जाता है नॉन नेगेटिव। इसलिए जितना भी आप एलपीपी में प्रॉब्लम सॉल्व किए रहोगे तो सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखा जाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एक और पहचान होता है, वो क्या होता है बेटा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। रीजन इज वेरी सिंपल कि एक्स बेटा जब ग्रेटर देन जीरो है तो पॉजिटिव है एंड वाई ग्रेटर देन जीरो है तो पॉजिटिव है। सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव होती है, दूसरे में नहीं होती है। तो ओवरऑल बेटा एलपीपी का यही सिनेरियो है, नथिंग एल्स। अच्छा, बीच में जब आप पढ़ते जाओगे तो आपसे पूछा जाएगा कि ठीक है आपने मैन्युफैक्चर कर लिया तो मुझे बताओ कि प्रॉफिट एक्चुअली निकल कितना रहा है। अब मैं बोल दूं कि फायदा हुआ कि घाटा, तो ऑब्वियस बात है आप बोलोगे सर फायदा हुआ है, तो मैं बोलूंगा ना, दूसरा सवाल रहेगा कि आप बताओ कितना फायदा हुआ आपका। तो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज को पूछा जा सकता है कि ये कितना हुआ और ये कितना हुआ, और ये एक्चुअली में पूछा जाएगा। अगर 6 मार्क्स का सवाल है तो पॉसिबिलिटी है कि पूछ दिया जाए कि बताओ कि मैक्सिमाइज करके बताओ कि प्रॉफिट कहां पे हो रहा है, कितना यूनिट ऑफ ए मैन्युफैक्चर किया जाए, कितना यूनिट ऑफ बी मैन्युफैक्चर किया जाए, कितना यूनिट ऑफ सी मैन्युफैक्चर किया जाए कि ताकि हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकें। अब ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने का बेटा एक सेंस और निकलता है कि हम कम से कम लॉस में जा सकें। सो मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट एंड मिनिमाइजिंग लॉस दोनों ही कहीं ना कहीं एक सेम चीज बन जाती है, ठीक है। अच्छा, अब इन सारी ही चीजों को जब एग्जाम्पल के थ्रू समझ गए तो थोड़ा इसको मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं इंग्लिश में। लाइक सबसे पहला ध्यान देना, मैं अंडरलाइन करते जाऊंगा एक एक प्रॉब्लम को, थोड़ा सब्जेक्टिव है और कुछ नहीं, प्रॉब्लम्स आएंगे तो मजा आ जाएगा आपको। देखिए बेटा, एलपीपी जो होता है इज अ प्रॉब्लम ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन के लैंग्वेज पे, जब आपको बोलेगा कि बेटा मैक्सिमाइज करो तो सिर्फ आपको मैक्सिमाइज करना है, जब बोलेगा मिनिमाइज करो तो सिर्फ मिनिमाइज करना है, जब बोलेगा ऑप्टिमाइज द प्रॉब्लम तो आपको मैक्सिमाइजेशन भी करना पड़ेगा और मिनिमाइजेशन भी करना पड़ेगा। याद रखना, मतलब मैक्सिमम वैल्यू कहां पे मिला वो भी बताओ, मिनिमम वैल्यू कहां पे मिला वो भी बताओ। अब ये क्या हो सकता है, प्रॉफिट, सेल्स, कॉस्ट, मिनिमाइज कॉस्ट करो, मतलब कॉस्ट कम से कम में हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा पाए, यही होता है। इनको बोला जाता है बेटा सेट ऑफ लीनियर कंस्ट्रेंट। याद रखिएगा, ये लीनियर कंस्ट्रेंट को हम लोग लीनियर फंक्शन भी बोलते हैं, जिनको जनरली हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और जेड क्या होता है, वही हमारा डिसीजन वेरिएबल। लाइक एक्स एंड वाई क्या है बेटा, एक्स एंड वाई हमारा डिसीजन वेरिएबल है कि आप बनाना क्या चाहते हो। ये एक्स एंड वाई क्या है, आपकी डिसीजन वेरिएबल है, मतलब एक्स और वाई आप बना रहे हो क्योंकि ये वैरी करेंगे, आप नहीं जानते हो कि कितने यूनिट एक्स बनाना है कितना यूनिट वाई बनाना है, इसलिए इसको बोला जाता है वेरिएबल। वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट, देखो सीधा लिखा है कि ए एंड बी कॉन्स्टेंट है विच हैज टू बी मैक्सिमाइज। एक्स एंड वाई को आपको थोड़ी ना मैक्सिमाइज करना है, मिनिमाइज करना है, सॉरी एक्स एंड वाई को तो करोगे नहीं आप करोगे किसको, ए एंड बी को। रीजन इज कि जैसे जैसे ए एंड बी का वैल्यू चेंज होगा एक्स एंड वाई बढ़ जाएंगे या जेड का वैल्यू चेंज हो जाएगा। हाँ जी,
In a linear objective function, z is equal to x plus by, the variables x and y are called of this variable. देखो नीचे लिखा भी clearly, and a and b को लिखा जाता है बेटा constant. सीधा सीधा लिखा है, आप यहां से पढ़ सकते हैं. लीनियर इनइक्वालिटी जानते हो कि सर, एक इक्वेशन जिसमें इक्वल का साइन हो और ना हो उसको बोला जाता है लीनियर इनइक्वालिटीज और इन इक्वेशन. बस ये सब जानते हो. रेस्ट्रिक्शन ऑन द वेरिएबल ऑफ एलपीपी आर कॉल्ड कंस्ट्रेंट. अब ये कंस्ट्रेंट का मीनिंग आप लोग क्लियरली समझ गए हो कि सर, हमारे पास जो कंडीशन होता है कि इतना ही रिसोर्स है, इतना ही मैन पावर, इतने ही घंटे हैं, इतने ही यूनिट, ये चीज है, उतने में ही आपको मैक्सिमम चीजें बनाकर दिखानी है, वही कंस्ट्रेंट होता है. तो आप जब भी क्वेश्चन पढ़ो और ये सब चीजें निकल के आएगी, सर हाँ ये रिसोर्स इतना ही है, इतने में हमको काम करना है, तो समझना बेटा वो आपका कंस्ट्रेंट है. ठीक है, कंडीशन x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट. आप समझ गए कि सर नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट क्यों बोला जाता है. रीजन इज कि हम मैक्सिमम चीजें फर्स्ट क्वाड्रेंट में डील करते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चर का अगर प्रॉब्लम मैन्युफैक्चरिंग का है या प्रॉफिट लॉस का है तो हम नेगेटिव में नहीं, लॉस में तो नेगेटिव में जाते हैं, प्रॉफिट में कहां जाओ. ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, सीधा सीधा इतना बड़ा मत पढ़ो, समझो कि जो प्रॉब्लम को हमको मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है अंडर सम कंस्ट्रेंट, जरूरी नहीं है, बस मीनिंग समझ लो. फिजिबल रीजन, वन ऑफ द वेरी मोस्ट कॉमन टर्म जो एलपीपी हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं. फिजिबल रीजन क्या होता है बेटा? फिजिबल रीजन वो होता है जो एक शेडेड पोर्शन में दिखाया जाता है, और उस शेडेड पोर्शन में आज कोई भी आप एक पॉइंट उठा लो, कोई भी एक पॉइंट उठा लो, वो सारा पॉइंट आपके इनइक्वालिटीज, आपके कंस्ट्रेंट को या आपके जो डिसीजन वेरिएबल है जेड है उसको सेटिस्फाई करेगा. सीधा सीधा बात है. मतलब कैसा हो सकता है, लाइक ग्राफ बनाकर दिखाऊं, तो ये ऐसा है, मान लीजिए एक इधर है, एक ग्राफ ऐसा आ रहा है जिसमें हम लोगों ने लिया है कुछ ये वाला रीजन, समझिएगा ध्यान से, हमने कुछ लिया है बेटा ये वाला रीजन, लाइक ये रीजन है, हमें सिर्फ इधर की बातें करनी है, ऐसा वाली, और एक लाइन मैंने और ले लिया और वो लाइन मान लो कि कुछ ऐसा है. अब इसमें मैंने ये पार्ट ले लिया, तो बेटा कॉमन रीजन कौन सा हुआ? कॉमन रीजन तो सिर्फ ये वाला, व्हाइट वाला, व्हाइट वाला एंड ब्लू वाला दोनों का मिक्सिंग. यस सर, बोला था फिजिबल रीजन. और जो बाकी के पोर्शन क्या है सर? रीजन फिजिबल रीजन वो क्या हो जाएगा आपका? इनफिजिबल. नॉन फिजिबल रीजन मत बोल देना, इंग्लिश बहुत खतरनाक है. इनफिजिबल रीजन बोला जाता है ना, ध्यान देना इस सारी बातों. इन तो अंदर हो गया. नहीं, अब बनोगे शेक्सपियर तो यही होगा, इन है तो अंदर नहीं बेटा, फिजिबल रीजन के बाहर है, अदर देन फिजिबल रीजन. मैथमेटिशियन इंग्लिश, बिल्कुल मैथ्स का इंग्लिश अलग ही है. हाँ जी, आगे आते हैं. फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी, देख सकते हो पॉइंट विद इन एंड ऑन द बाउंड्री. मैंने बोला ना कि सेट ऑफ पॉइंट्स जो सारे कंस्टेंट को सेटिस्फाई करें, वही आपके फिजिबल सॉल्यूशन होते हैं. कॉर्नर पॉइंट्स, सेट ऑफ पॉइंट्स होंगे, या तो एग्जैक्टली लाइन पे मिलेंगे या तो शेडेड पोर्शन के अंदर मिलेगा, बाहर नहीं मिल सकता है. ये हो गया, पता नहीं दोबारा क्यों लिखा है इधर. एनी पॉइंट इन द फिजिबल रीजन विच गिव्स द ऑप्टिमल वैल्यू, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन, वही जो पॉइंट आपको मैक्सिमम वैल्यू दे दिया या मिनिमम वैल्यू दिया उसको ऑप्टिमल सॉल्यूशन बोलते हैं. अगेन बेटा वापस दिला रहा हूं कि जब जब बात ऑप्टिमाइजेशन की होगी, तब तब आप या तो मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे या तो मिनिमम वैल्यू निकालोगे, बेसिकली दोनों ही निकालना होता है. ऐसा मान लीजिए कॉर्नर पॉइंट जो सबसे पहला मेथड है जो आपको पढ़ना है. एक्चुअली में मुझे नहीं आइडिया कि आप लोगों के बोर्ड में कितने टाइप्स ऑफ मेथड है, क्या आपको मालूम है? 3 टाइप के हैं हमारे में. कौन कौन से बताइए जरा. एक जिनमें फिजिबल होता है और एक नो 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 आई एम सेइंग बेटा कि जो ये ऑप्टिमाइजेशन निकालने हैं, मैक्सिमाइज करना है, मिनिमाइज करना है, ये कितने तरीके से निकाला गया? ग्राफिकल सॉल्यूशंस कितने टाइप के हैं मुझे ये बताओ. एक तो कॉर्नर पॉइंट मेथड होता है. हां जी. और क्या क्या है? कॉर्नर पॉइंट वाला ही है. आइसोप्रॉफिट मेथड होता है, वो जानते हो आप लोग? नहीं. ये भी होता है, आइसोप्रॉफिट मेथड होता है. हमारे में तो सिर्फ कॉर्नर पॉइंट से ही निकालते हैं. आइसोकोस्ट मेथड होता है. कोई ना, जितना है उतना ही बता दूंगा, उसमें क्या है, ज्यादा भी बता दूंगा तो कोई खराबी नहीं है. मिला जुला कर ये दोनों इससे रिलेटेड होते हैं, तो एक पढ़ लोगे तो सारा ही आता है. हाँ जी, नोट. यस सर. बहुत जबरदस्त है, ध्यान दीजिएगा.
क्वेश्चंस बेटा प्रॉब्लम तब क्रिएट करता है ना जब आपका फिजिबल सॉल्यूशन में आपका अनबाउंडेड रीजन मिल जाए, मतलब ऊपर जा रहा है, ऊपर का ऊपर जा रहा है, नीचे का नीचे जा रहा है, नीचे का नीचे, एक ही क्वेश्चन है सर। हाँ एक ही क्वेश्चन ऐसा है। हाँ, लास्ट क्वेश्चन पहले एक्सरसाइज का क्वेश्चन, क्या बात है। तो उसमें थोड़ा सा ये हो जाता है, मतलब ग्राफ बहुत गंदा दिखता है, ये ग्राफ मेरे को अच्छा लगता है, बेसिकली मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि सारे के सारे कॉमन पॉइंट मिल रहे हैं, इतना दूर पेंट कर दो, वो ऊपर का ऊपर गया, नीचे का नीचे गया, ठीक है, नो सॉल्यूशन। ये देखिएगा पॉइंट समझिएगा, इफ फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड देन द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन मे नॉट एग्जिस्ट। आई एम नॉट सेइंग कि एग्जिस्ट नहीं करेगा बेटा, हो सकता है एग्जिस्ट करे और हो सकता है एग्जिस्ट ना भी करे, मैक्सिमम चांसेस होता है एग्जिस्ट नहीं करने का, ठीक है। हाँ जी, जैसा कि आप लोगों ने बोला कि सर सबसे पहला मेथड है हमारा कॉर्नर पॉइंट मेथड, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये सब बातें भूल जाओ, सब बातें भूल जाओ जो है आप लोग जानते हो, लेकिन फिर भी मैं एक थोड़ा थोड़ा बता दूंगा और एक शॉर्टकट तरीका दूंगा बेटा, यही काम करना, क्वेश्चन लिखना, डब्बा बनाना, काम खत्म। फाइंड द फिजिबल रीजन सबको मालूम है, फाइंड द फिजिबल रीजन ऑफ एलपीपी एंड डिटरमाइन इट्स कॉर्नर पॉइंट। अच्छा, ये कॉर्नर पॉइंट फाइंड कैसे किया जाता है, ये बहुत जबरदस्त चीज है, कितने लोगों को मालूम बेटा ये कॉर्नर पॉइंट कैसे फाइंड करोगे आप लोग? जैसे मतलब कोई भी रीजन शेड होगा ना, तो उसमें जो शार्प पॉइंट होंगे ना वो वाले लेंगे, या आप इसको ऐसा बोलिए थोड़ा मैथमेटिकल लैंग्वेज में कि सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। हाँ जी, बात समझे? यस सर। अच्छा, सवाल ये उठता है जैसा कि मिला जुला कर जेई का कीड़ा हमारे अंदर है, तो सवाल ये होता है सर किसने बोला कि कॉर्नर पॉइंट फाइंड करना है, क्या आपका वैल्यू अंदर नहीं आ सकता, आपने तो बोला था कि सर ये वाला पॉइंट, बात समझिएगा किधर गया, ये रहा, कहां गया मिल गया भाई। अच्छा मैं इधर ही देख लेता हूं ना, देखो कॉर्नर पॉइंट लिखा भी था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू बाउंड्री लाइंस, आप लोगों ने पढ़ा नहीं ध्यान से, ठीक है। बात ये था ऊपर में जो मैंने बताया रहूंगा आपको कि किसने बोला सर कि कॉर्नर पॉइंट पे ही मिलेगा, मतलब लाइन जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वहीं पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, मिनिमम वैल्यू मिलेगा, किसने बोला आपसे? ये क्वेश्चन उठता है कि सर क्यों उधर ही मिलता है, आसपास क्यों नहीं, ऊपर क्यों नहीं, अंदर क्यों नहीं, एग्जैक्टली वहीं पे क्यों मिलता है जहां पे कॉर्नर होता है? ये बहुत तगड़ा चीज है और आपको पूछना चाहिए था, जहां पे आप पढ़े रहोगे आपको पूछना चाहिए था कि सर कॉर्नर पॉइंट पे हम लोग क्यों फाइंड करते हैं। इसका जवाब होता है बेटा कॉर्नर पॉइंट थ्योरम से, समझिएगा ध्यान से, कॉर्नर पॉइंट थ्योरम, या इसको ये हटा करके मैं नया चीज लिख देता हूं, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन थ्योरम। अब बात वही आती है कि कितने लोग जानते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होता है, बताओ। बेटा ये बता दो सर, नहीं पढ़ी है? नहीं पढ़ी है ना, आप सीख लो। एक ऐसा फोटो बनाओ जिसके सारे एंगल्स 180 से कम हो, पहला डेफिनेशन जो बच्चे लोगों को सिखाया जाता है क्लास 7th या 8th में, एक ऐसा फोटो बनाओ जिसके सारे के सारे सारे वर्टेक्स एंगल 180 से कम हो, उसको बोला जाता है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। इसका मतलब सर कि ट्रायंगल कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है? हाँ जी है, क्योंकि सारे एंगल 180 से कम होते हैं, तीनों मिला करके 180 होते हैं सर, सारे कहां बात कर रहे हो आप, रेक्टेंगल हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, सारे के सारे। इवन जनरली जब पॉलीगॉन बोला जाता है ना तो बच्चे लोग के दिमाग में फोटो आता है हेक्सागॉन का, या केमिस्ट्री वाले कैसे समझते हैं, बेंजीन ऐसे समझते हैं ना, बेंजीन है सर, यस सर, इसका समझते हैं। तो बेटा इसके भी सारे एंगल आप ले लोगे ना, सर बीच में गोला भी है, हां जी बीच में गोला भी है, ना ना मैं एग्जैक्टली वही बना थोड़ी बना रहा हूँ यार, साइक्लोहेक्सेन हो गया जो भी, यार उतना नहीं आती है मेरे को, अब ये गोला बनाओ, इधर बॉन्ड बनाओ, ये सब कौन करेगा, छोड़िए। यहां पे देखो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन बेटा, देखो पहला ये हो गया कि ऑल वर्टेक्स एंगल शुड बी लेस देन 180, पहला डेफिनेशन होता है, लेकिन क्योंकि हम एलपीपी पढ़ रहे हैं तो ये डेफिनेशन पे फोकस नहीं करेंगे क्योंकि हमारा एंगल से कोई लेना देना है नहीं। दूसरा फोटो 180 से ज्यादा बनाना है तो बेटा ये बना लो आप, कैसे बना सकते हो, ये बना लो, ये हो गया
थोड़ा इसको और कर्व बना देते हैं ताकि आपको दिखे कि सर ये जो वर्टिक्स का एंगल है वो ये वाला एंगल 180 से ज्यादा है। आप लोग देख पा रहे हैं ना 180 से ज्यादा है। यस सर। आप एंगल्स लोगे बेटा सब सारे के सारे 180 से कम आएंगे। ये एक एंगल के टर्म्स में डेफिनेशन हो गया। बट आपको याद क्या करना है सीधा सीधा कि अगर मैं पॉलीगॉन के अंदर दो पॉइंट कंसीडर करूं और एग्जैक्टली वो जो पॉइंट कनेक्ट करने के बाद स्ट्रेट लाइन बने वो पूरा का पूरा पॉलीगॉन के ऊपर ही लाई करे तब हम बोलेंगे सर वो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है। अब आप रैंडमली कोई भी दो पॉइंट लो, कहीं पे भी दो पॉइंट लो, ये पॉइंट ले लीजिए आप, ये पॉइंट ले लीजिए, जैसे ही इस पॉइंट को कनेक्ट करोगे आप पॉलीगॉन के अंदर मिला कि नहीं मिला बताइए। मिला। अब यहां पे बात कर लीजिए, एक पॉइंट यहां पे ले लीजिए, यहां पे ले लीजिए, मिला कि नहीं मिला? Yes, मिला। तो ये लेकिन क्या सर सेकेंड वाले फोटो में मैं कोई भी दो पॉइंट लूंगा तो क्या वो पॉलीगॉन के अंदर मिलेगा? नहीं। कितने लोग समझ पाए कि पॉइंट कहां पे लिया जाएगा? बाहर। एक अंदर एक बाहर। एक यहां पे ले लो, नहीं अंदर बाहर नहीं ले सकते ना, एक यहां पे ले लो, देखो क्या पूरा का पूरा ये स्ट्रेट लाइन पे फोटो के अंदर मिला? नहीं मिला ना, कुछ तो पोर्शन बाहर चला गया ना, ये पोर्शन बाहर चला गया आपका, देख लीजिए। तो ये क्या हो गया बेटा? नॉन कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, या फिजिक्स ज्यादा पढ़ते हो तो क्या बोलोगे इसको? कॉनकेव पॉलीगॉन। ये है, मानते हो ना? कॉनकेव कॉन्वेक्स तो नाम सुना रहेगा यार आप लोगों ने, सुने, वो तो सुना है, पर कॉनकेव, हाँ ये नॉन कॉन्वेक्स बोल दिया करो, कॉनकेव पॉलीगॉन बोलना है तो बोल दो, कोई नहीं, ठीक है। तो ये सारे ये देखो बेटा, सबसे पहला पॉइंट क्या है? फिजिबल रीजन ढूंढना है और सारे कॉर्नर पॉइंट्स ढूंढना है, मेथड नंबर वन, स्टेप वन बोलो आप। यस सर। फिजिबल सॉल्यूशन ढूंढो, फिजिबल रीजन ढूंढो एंड कॉर्नर पॉइंट्स ढूंढो। कॉर्नर पॉइंट कैसे ढूंढोगे? या तो बाय इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन का मतलब शक्तिमान जैसा देखकर बता दो, ठीक है, नहीं तो एक मैथमेटिशियन जैसा आप दो पॉइंट को, दो लाइन को सॉल्व करो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाता है। यस सर। पॉइंट नंबर टू, इवैल्यूएट ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आपको जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स मिले सारे के एक्स एंड वाई उठा उठा करके यहां पर रखे रहो, रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ सारे के सारे। अगर 0.30 मिला तो बेटा एक्स की जगह पे 0 रखो, वाई की जगह पे 30 मिलो, करेस्पॉन्डिंग कुछ तो वैल्यू आएगा। सर कैसा कैसा वैल्यू आ सकता है बेटा? वैल्यू लेना है आप खुद ही बना लो, कौन सा वैल्यू ले सकते हो? ये मान लो कि ये डब्बा बना लिया आपने और जैसे ही आपने जेड सॉल्व किया, मान लो कि मैं रैंडमली लिख रहा हूं ज्यादा, मान लो ये आपका इक्वेशन था, ये रहा पॉइंट्स एंड ये रहा जेड, आपने पॉइंट 0.4 पे चेक किया ये 50 आ गया, आपने 4.0 पे चेक किया ये कुछ 60 आ गया, आपने 3.2 पे चेक किया ये 27 आ गया। अब बात आ रही है मैक्सिमम और मिनिमम बताने की, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना है बेटा? 60। ये आपका क्या हो गया? मैक्सिमम वैल्यू, जिसको कैपिटल एम से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं जनरली। मिनिमम वैल्यू कौन सा हुआ? 27। अब मैंने बोला बेटा मैक्सिमम वैल्यू कितना है, मिनिमम वैल्यू कितना है, तो आप 60 और 27 दोगे। लेकिन जब मैं बोलूं कि मैक्सिमम वैल्यू कहां पर है और मिनिमम वैल्यू कहां पर है, तो आप आंसर क्या दोगे? पॉइंट देंगे, पॉइंट्स दोगे। वेरी गुड। 4.0 एंड 3.2, बस यही होता है। पॉइंट नंबर 3, व्हेन द फिजिबल रीजन इज बाउंडेड, एम एंड एम आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, आपको मालूम है। और कहां पे मिलेगा फोटो? कहां पे मिलेगा बेटा अगर बाउंडेड है तो? कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट्स पे ही मिलेगा। और ये कौन सा थ्योरम बोला जाता है इसको? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, पॉलीगॉन थ्योरम इसको ये बोला जाता है। हां जी, और कुछ है इधर? अनबाउंडेड है तो अनबाउंडेड के कंडीशन है हम लोग देखेंगे। हाँ, प्लेन बनाते हैं, ऊपर ऊपर जाता है, नीचे नीचे जाता है, कोई कॉमन पॉइंट नहीं आया। अब फोटो कैसा होता है आप लोग जानते भी हैं। सर ये रहा फोटो, बना दीजिए आप, ये लाइन इधर गया, ये लाइन इधर गया, इसके सॉल्यूशंस इधर आ रहे हैं और इसके सॉल्यूशंस इधर जा रहे हैं। कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बेटा जी? नहीं है सर, नहीं, नहीं है तो फिर फिजिबल रीजन, कॉमन फिजिबल रीजन नहीं मिला ना, नहीं मिला तो मैक्सिमम वैल्यू हम नहीं बता पाएंगे, मिनिमम वैल्यू सेम हम नहीं बता पाएंगे। जहां पे बताना होगा शायद हम बता पाएंगे, लेकिन कई कई जगह पे हम नहीं बता पाएंगे। सर ऐसे भी प्रॉब्लम्स आएंगे क्या कि हो सकता है सिलेबस पे तो बात कर लेंगे, नहीं होगा तो, लेकिन होता जरूरी है, ये याद रखें है तो ठीक है। हाँ, कुछ नोट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान देनी है, ठीक है। सबसे जो मेरा
फेवरेट है वो ये है कि जब लाइन ओरिजिन से पास होता है, किधर गया किधर गया, ये वाला मेरा फेवरेट पॉइंट ये है बेटा। अच्छा ये जो चीज नोट बता रहा हूं ना, शायद सीबीएसई में ओरिजिन टेस्ट के नाम सुना है आप लोगों ने? ओरिजिन टेस्ट सुना है आप लोगों ने? नहीं नहीं सुना है ना, तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूं। ओरिजिन टेस्ट किया जाता है जनरली, कई लोग इनइक्वालिटी से सॉल्व कर लेते हैं, फिर माइनस उधर भेजते हैं, लेस देन ग्रेटर देन चेंज करते हैं, बिल्कुल मत करना। सिंपल सा तरीका है बेटा, एक्स और वाई को जीरो बनाओ। जीरो बनाने के बाद अरे इनइक्वालिटी सेटिस्फाई किया आप टुवर्ड्स ओरिजिन करो, सेटिस्फाई नहीं किया अवे फ्रॉम ओरिजिन। लेकिन क्या होगा जब लाइन ही ओरिजिन से पास कर देगा तो एक्स और वाई को जीरो तो नहीं रख पाओगे जी, फिर कोई और पॉइंट क्या किया जाता है कि हम कोई भी एक पॉइंट एक्सिस वाला ले लेते हैं, प्रिफरेबली हम लोग एक्सिस पे लेते हैं। उसका भी तरीका है, जरूरी नहीं है कि आप एक्सिस वाला पॉइंट लो, मैं जो बोल रहा हूँ मे बी बाउंस जाए आपको क्वेश्चन में समझ जाओगे। आप कोई भी एक रैंडमली एक्सिस पे पॉइंट उठाओ और आप प्लॉट करके देख लो, सेटिस्फाई हो गया तो उधर लाइन खींच दो, नहीं हुआ तो उसके अपोजिट में लाइन खींच दो, ठीक है। ये वाला एक बहुत ही ज्यादा क्रूशियल पॉइंट है, जब जब एमसीक्यूज में आता है, एलपीपी एलपीपी एमसीक्यू में भी आता है, याद रखना। लाइन ये है बेटा कि अगर दो से ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू और दो से ज्यादा मिनिमम वैल्यू मिले तो मिला जुला कर ये बोलता है, मान लीजिए कि ग्राफ आपने बनाया, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कुछ यहां पे मिल गया, या तो मैक्सिमम मिला या तो यहां पे मिला, और एक और यहां पे मिल गया। तो बेटा आप ये नहीं बोलोगे कि सर मैक्सिमम यहां पर है और यहां पर है, बात समझना, मैं बोल रहा हूं आप ये नहीं बोलोगे कि पॉइंट ए पर एंड पॉइंट बी पे मैक्सिमम वैल्यू है, फॉल्स स्टेटमेंट है। इसलिए जब एमसीक्यू देता है तो पॉइंट देता है वहां पे कि एट ए एट बी और बोलेगा अलोंग लाइन सेगमेंट ए बी, इस सेगमेंट पे कोई भी पॉइंट उठाओगे आपको मैक्सिमम वैल्यू देखे जाएगा। मैंने बोला लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट का मतलब बेटा लाइन का लेंथ फिक्स है, लाइन रहेगा तो पूरा लाइन, लाइन सेगमेंट बोला है मैंने, मतलब इतने लाइन पे कोई भी पॉइंट उठाओ सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन में, क्योंकि थ्योरी जो था वो समझ जाओगे, आप जानते भी रहोगे, क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे हो जाएगा। चलिए बेटा लोग पॉइंट को ध्यान से समझना, हर क्वेश्चन को सबसे पहले स्टार्ट कहां से करना है, सबसे पहले बनाओगे डब्बा, याद रखना, सबसे पहले क्या बनाओगे आप लोग, डब्बा। सर मार्क्स मिलेगा, बहुत अच्छे से मार्क्स मिलेगा, डब्बा बनाइएगा। डब्बे में क्या क्या भरना है, रट्टा मार लो, रट्टा ही मार लो, सच्ची में रट्टा मार लो आप इसको, सर ये तो लिखना ही लिखना है, ज्यादा लिखना है सर, नहीं ज्यादा नहीं लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है, बस पांच लाइन बनाने होते हैं, पांच बनना, 1 2 3 4 5, हाँ जी। इक्वेशंस कितने बच्चा लोग, एक दो, दो इक्वेशंस है, दो बना लीजिए, दो बना लीजिए, और एक यहां पे बनाइए, एक यहां बनाइए, बस। सर अगर चार इक्वेशन देंगे तो हमको उतने आपको कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, हाँ जी बनाना पड़ेगा बेटा। सबसे पहला इक्वेशन लिखिए 3x, ये क्या लिखोगे, इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज, फिर आप लिखोगे करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, क्योंकि इनइक्वालिटीज हम लोग को उसको इक्वालिटीज में कन्वर्ट करके लिखना होता है, याद कर लो, बहुत लिखने से बच जाओगे। इनइक्वालिटीज लिखो, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखो, अब लिखना है पॉइंट्स। अच्छा मैं पॉइंट्स लिख रहा हूं, कई कई जगह पे ना इस पॉइंट्स को दो और रो में लिखा जाता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद वाई एक्सिस, आप बिल्कुल मत लिखो, आप पॉइंट्स लिखो सीधा सीधा, फिर लिखो ओरिजिन टेस्ट, एंड उसके बाद आप लोग लिखोगे फिजिबल रीजन, इतने चीजें आपको लिखना है। सबसे पहला उठाते हैं सर, सबसे पहला कौन सा है, 3x प्लस 5y is less than equal to 15. एक समझा रहा हूं, दूसरा आप लोग बताना बेटा इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या होगा, इनइक्वालिटीज हटा करके इक्वालिटीज बनाओ, 3x plus 5y equal to 15. वेरी गुड। अच्छा पॉइंट्स निकालने का निंजा टेक्निक, एक बार x को y जीरो रखो, एक बार y को जीरो रखो, y को जीरो, जब मैंने x को जीरो रखा बेटा तो y आएगा, y 3 y 5 5 5 ये 5 3 है ये। अच्छा जब y को जीरो रखोगे तो
तो एक्स आएगा 5, 5, 0 yes. ठीक है. ओरिजिन टेस्ट का मतलब ये होता है बेटा कि आप 3 × 0 + 5 × 0 < 15 yes, की फॉल्स है. ये ट्रू है सर. ट्रू है. 3 × 0 = 0, 0 + 0 = 0, 0 < < 15 क्या हो गया? सही है. ठीक है. अच्छा ये फॉल्स हो सकता है. हाँ जी हो सकता है ना. कैसे सर? अगर गलती की निपरिटी चेंज हो जाएगी. नहीं नहीं नहीं, अगर गलती से क्वेश्चन में आपको यहाँ पे नेगेटिव दिया था तो आप नहीं लिखते ना तो लेस देन माइनस 15 तो गलत हो गया. तो फिलहाल ग्रेटर देन लेस देन होता. हाँ जी. तो बेटा ये हो गया ट्रू. अगर ट्रू हुआ तो फिजिबल रीजन कहाँ पे होगा? टुवर्ड्स ओरिजिन. टुवर्ड ओरिजिन साइड. ठीक है. यस बात समझ में आई? इतना तो कर लोगे ना? बिल्कुल कर लेंगे, कर लेंगे. नेक्स्ट वाला आप बताइए. पहले लिखेंगे 5x + 2y < 10 वेरी गुड. 5x + 2y = 10 गया मेरा. हाँ जी. 5x + 2y + 2y = 10 पॉइंट्स बताओ. 0.5 + 0.2 = 2.0 एंड ओरिजिन टेस्ट बताओ. 5 × 0 + 2 × 0 < 10 ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है सर. ट्रू. ट्रू टुवर्ड्स ओरिजिन. ओरिजिन साइड. ओरिजिन साइड लिखो, नॉन ओरिजिन साइड लिखो, बस दो ही लिखो. टुवर्ड्स ओरिजिन अवे फ्रॉम द ओरिजिन लिखोगे तो कई लोग कंफ्यूज जाते हैं. ठीक है. अब यही हमारे पास डेटा है और इसी के ऊपर हम लोग काम करते हैं. सर इसका एक और क्वेश्चन है. अच्छा ठीक है. ये काम कब आएगा सर? बेटा ये सर जब कॉर्नर पॉइंट निकलेंगे तो उनके वैल्यू डालेंगे इसमें डब्बे में रखने में. ऑब्जेक्टिव फंक्शन ना आपका लीनियर फंक्शन है. ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, उसको आप कॉर्नर पॉइंट निकालने के बाद बात करोगे. अभी गेट में अब बारी आती है फोटो बनाने की सर. वैसे आप लोग देख भी सकते हो ना, अगर मैंने ग्राफ पढ़ा रहेगा तो आप लोग जानते हो सर 3x + y का ग्राफ कैसे बनेगा. भूल गए? यस सर. बेटा 5y है ना, x को साइड भेजो, नेगेटिव जाएगा. यस सर. अगर नेगेटिव जाएगा तो किसको इंटरसेक्ट करेगा? सेकंड एंड फोर्थ को. सेकंड और फोर्थ. सेकंड एंड फोर्थ क्योंकि प्लस 15 है मतलब ऊपर 15 यूनिट ऊपर. जी अरे देवा भूल गए सब तुम लोग. हे भगवान. चलिए जी कोई ना, ग्राफ की ही क्लास लगी थी. बताओ तुम लोगों ने कितना चिल्ला चिल्ला कर बनाया था सर. ग्राफ सिखाओ, ग्राफ सिखाओ, ग्राफ सिखाओ. लगी एक ही थी. भूल गए. हाँ जी लगी एक ही थी. नहीं सर, एक क्लास नहीं थी, 4-5 क्लासेस थी ग्राफ के ऊपर. तुम्हें भी मार था बेटा. एक बात बता रहा हूँ, भगवान को ऊपर से आना है तुम्हारे लिए. सर मैं बीमार था, मैंने लगाई नहीं था. तो जितना मर्जी लिखो. देखो बेटा पॉइंट 0.3 प्लॉट करो. 0.3 किधर है? मान लो सर 0.3 आ गया, इधर आ गया. 0 के ऊपर 3 ले जाओ. 0.3 इधर आएगा ना. Y में आएगा. पहले तो बना रहे हो Y में आएगा. भड़क क्यों रहे हो? जीरो कमा थ्री इधर आ गया. हम बिलासपुर से भड़क रहे हैं. फिर आएगा 5.0. मान लो इधर X में आएगा. ये X में आएगा. अब इसको क्या करना है सर? ज्वाइन कर लो सीधा सीधा. हाँ जी सर. ज्वाइन कैसे करेंगे? हाथ से? नहीं बेटा स्केल से करो ना, थोड़ा फोटो अच्छा बनना चाहिए. पेंसिल से? हाँ फोटो एकदम बराबर होना. और ये ना जानबूझ करके आप इस लाइन के ऊपर इक्वेशन लिख दोगे तो और अच्छा रहेगा. नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं. वो एरो के आगे लिख देंगे सर. आपकी मर्जी है. लिखते इसलिए ताकि हम भूल ना जाए, बाकी कुछ नहीं. यस सर. दो तीन लाइनें होती हैं तो कंफ्यूजन जाती है. एग्जामिनर को समझ में आए. ठीक है. क्या मालूम घर पे झगड़ा करके आया और गुस्से में काट दिया. हाँ सर होता है. मूड उनका खराब होगा तो कुछ भी कर सकते हैं. जी सर आपका भी होता है भाई. झगड़ा करने वाला कोई होना भी तो चाहिए. हाय यहाँ पे आ जाओ. 0.5 ऊपर जाएगा हल्का सा इधर. यस सर थोड़ा ऊपर. यस सर 2 पॉइंट ऊपर. और वो थोड़ा x 2.0 मतलब थोड़ा पास. अच्छा इनको ज्वाइन करने से पहले ना मैं बात करता हूँ. व्हाइट लाइन का ओरिजिन साइड आ रहा था फोटो तो. यस सर. बोले तो कुछ इधर आ रहा है इसका फोटो इस साइड. यस सर. यस सर.
हाँ जी बना लो, ये सबसे बोरिंग लगता है मेरे को, सही बता रहा हूँ। सर वो स्केच ही मार दो फिर आपको आता है। ये सर लगता है। अच्छा एक काम करो, आप लोग हो समझदार ठीक है, मैं एक बहुत ज्यादा दो ही मारो। स्मार्ट आइडिया, स्मार्ट आइडिया, देखो एक यहाँ पे मारो एक यहाँ पे मारो। हाँ जी सर। ठीक यस सर। एग्जाम में बिंदास करो, कोई मना नहीं करने वाला। हाँ सर आप मान लो कर सकते हैं, कर सकते हो, कर सकते हो आप। यस सर। क्यों वो बैठ कर ये नहीं दिख रहा है कि बच्चा कितना अच्छा पेंट कर लेता है, ठीक है। उसका टारगेट ये कि बच्चा मैथ सॉल्व कर रहा है कि नहीं। इसका भी बेटा ओरिजिन साइड ही था। हां जी ओरिजिन। यस सर। ये भी इधर की ओर आएगा और ये भी इधर की ओर, इधर की ओर। तो कॉमन सॉल्यूशन कौन सा मिला? फाइनल एरिया आएगा ना, इसको पेंट करोगे तो अच्छा आएगा। इसको पेंट कर लेते हैं अपन। एक यहां पे आ गया, फिर यहां पे आ गया। पेन से मार देने के चिट्टे। हाँ जी इसको पेंट करने में कौन सा दिक्कत है, इसको तो मैं यू पेंट कर दूं, हो गया पेंट जैसा भी है, बना तो ठीक है यार। यस तो ये रहा पेंट। अच्छा अब ये जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स हैं, कॉर्नर पॉइंट्स का मतलब बेटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। यस सर। 0.0, 2.0, 0.0, 3 पॉइंट है, चौथा पॉइंट निकालना चार है सर, और चौथा निकालना पड़ेगा। एक तो ये रहा, मेरे को नहीं लगता इधर कोई निकालता है। कौन निकालेगा यार इसको, 0.0 देके चला जाएगा बेचारा। ओरिजिन पे कोई चेक करेगा? ओरिजिन, ओरिजिन निकालते नहीं, बस शो करना पड़ता है। मैम ने बोला हां डब्बे में लिखना पड़ेगा ना, ए इधर, बी और इधर हो गया सी। ए पॉइंट मालूम है, बी पॉइंट मालूम है, बी पॉइंट कैसे निकाला जाए? क्या इंस्पेक्शन से निकाल सकते हो आप लोग? एक में जीरो पुट कर देंगे वो दिखाओ ना, इक्वेशन दिखाओ ना एक बार। इंस्पेक्शन से नहीं कर सकते ना, हमको सॉल्व करना पड़ेगा दोनों इक्वेशन। सर आपको ना ग्राफ के ऊपर बनाना चाहिए, फिर एकदम पता लग जाएगा कौन सा पॉइंट है। नहीं नहीं बता सकते, कई होता ही नहीं सर, एग्जैक्ट नहीं निकलता है, इसमें नहीं बता पाओगे। अरे तो मेहनत करने में से डरते हो क्या? दो इक्वेशन सॉल्व नहीं होता आप लोगों से, हो जाएंगे तो करना पड़ेगा, शो तो करना पड़ेगा। कैसे आई ये भगवान, ये भगवान सर, हो जाएंगी हो जाएंगी। टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, कौन कौन सा? 3x + 5y is equal to 15 और एक 5x + 2y equal to 10. 5x + 2y is equal to 10. Solve कर लो इसको. 3x + 5y, 3 से divide कर, नहीं बेकार हो जाएगा, और equal to 15 and you हो गया 5x + 2y is equal to 10. जरा बता दो कितना आ रहा है solve करके. इसको multiply नहीं कर सकते, फिर उड़ जाएगा x फलन. तो direct answer निकालते हैं ना? जी. निकालिए आंसर कितना आ रहा है, जल्दी निकालिए, जल्दी निकालिए। किससे मल्टीप्लाई करना है आपको? 5 से ऊपर 5 नीचे 3. करो करो आप लोग करो जल्दी, अब ये भी काम मेरे से कराओगे यार, जल्दी बताओ। ए देवा रुक जाओ सर, सर मल्टीप्लाई बाय 3 बेटा आंसर बोलो, वो मेरे को भी मालूम है कैसे सॉल्व होता है। ओ सर 2 मिनट। ए देवा तुम लोग बैठे हो अभी? हाँ सर मैं कर रही हूँ। इधर ना 9 लोग हैं, सारे के सारे आलसी। नो सर, तुम्हारा टीचर इतना आलसी नहीं यार जो पढ़ा रहा है, तुम लोग कितना आलसी हो। हम भी नहीं बहुत आलसी, प्रवीण पांडे सर। मैं ऐसा किसी के घर वाले हैं जिनको सोने के लिए डांटते हैं? नहीं, मेरे घर वाले मेरे को डांटते हैं, सोचो मैं कितना आलसी नहीं हूँ। सोने के लिए डांटते हैं मेरे को, सोने के लिए डांटते हैं जाके सो जाओ। हाँ सर मेरे को भी। तुमको भी डांटते हैं, मतलब तुम भी आलसी नहीं हो। चलो सवाल करो फिर, आंसर बोल दो रे देवा। y equal to 45 by 16 आया मेरा तो। कुछ सर 2 मिनट दो मेरे को। बाप रे, चलो मैं भरोसा कर लेता हूँ, कितना आया? y आया मेरा 45 by 16। चलो x बताओ। अब x
ये कौन क्वेश्चन दिया था इतना गंदा, वैल्यू आ रहा है इसका? आप ही लिखे थे इसको, पता नहीं कहां से। ये भी बात है कि नहीं, मैंने नहीं दिया था, ये मेरा लिखा हुआ नहीं है, पता नहीं कौन लिखा है इधर, मैंने ही लिखा है। ठीक है, थोड़ा बहुत मेहनत किया तुम लोगों के लिए, बढ़िया से पीपीटी डिजाइन किया, तारीफ करनी चाहिए तुम लोग। और चलो आंसर बोलो बेटा, एक्स का वैल्यू बोल दो। अरे सर रुक जाओ, अविनाश तुम बता दो। 45/19 is 16 is 19 45/19 आ रहा है, 25 से 6 गए। देवा मैं कर लेता हूँ भाई, रहने दो तुम। 19 है, मैं बोल रहा हूँ, लिख के ले लो। 45/19 वाई का, 45/19 और वाई का बोलो। बाकी के बच्चे तुम लोग भी यार बता दो, ये सर ये 45/16 था, 19 कहाँ से लिख दिया ये? ये देवा रे देवा। अंजना तुम बताओ, इक्वेशन सॉल्व, ये देखिए हमारे क्लास 12th के बच्चे 19 इक्वेशन सॉल्व नहीं कर रहे। ठीक है 19 16 आया, जल्दी बताओ। 19 ठीक है 19, मैंने बोला नहीं सर। थ्री मैजिकल वर्ड फॉर यू साक्षी। नो सर नहीं पता लगा लो बताओ। मैं ही कर लेता हूँ यार, कौन इतना तकलीफ है। सर नहीं रुक जाओ, हम कर रहे हैं, एक मिनट दे दो बस, तब तक मैं डब्बा बना लेता हूँ। डब्बा बना लेते हैं अपन। फोटो भेजू बेटा, फोटो भेजोगे तो क्या 20 और 19 चेंज हो जाएगा? नहीं सर, चेक हो जाता है ना, आप चेक कर लेते हो। आप बोल दिए, चेक तो ऐसे भी हो गया कि गलती हो जाएगा तो हाँ, इतना भरोसा। ठीक है, पॉइंट्स एंड वैल्यू, कौन कौन से पॉइंट है याद है किसी को? हाँ जी, 0.3, 2.0, 0.0, 20/19, 45/19, 45/19 सर एक डब्बा कम पड़ गया आपको, और एक 0.0। अच्छा वो भी है? हाँ जी वो भी है, बेचारे को नहीं छोड़ना, पहले बताना है ये सर, आप उसकी वैल्यू भूल रहे हो बेचारे की, पहले बताने का ना, उसका आंसर 0 आएगा पर लिखना जरूरी है। हाँ ये भी बात है, सी हो गया क्योंकि क्या नाम बताया था? ये मैंने पॉइंट गलती लिखी है, ये देवा सर शून। आपने एबीसी क्यों लिखा इधर है? जीरो जीरो ओ शून्य को मशून्य। ए कितना है? देखना पड़ेगा। 0.3। बी कितना है? 0.3 नहीं है बेटा, जीरो 0.3 नहीं है सर, ये है 20/19 45/19 एंड सी कितना है आपका? सी 0.3। क्या वैल्यू निकाल लोगे? नहीं जो सबसे हार्ड है मैं निकाल देता हूँ, सबसे हार्ड नहीं मैं। सर मैं निकाल, सबसे हार्ड मैं निकाल दिया, निकाल और सर आप सी की निकालो, बाकी हम निकाल, काम करो आप बी निकालो, मैं तब तक बाकी सब लिख देता हूँ। सर बी की 2 मिनट जल्दी निकालो। 9 लघु कर करा 100 और 135 235 235/19। हाँ सर क्या अंतर्यामी आप? देवा इधर दिख रहा है 25 और 19 डिनोमिनेटर। हाँ सर आ गया ये मान गए।
9 2 35 9 पक्की बात है कि ये 190 10 11 19 और आगे जोड़िए मतलब 12.23 आएगा 12 पॉइंट समथिंग बेटा कैलकुलेटर से किया ना तुमने इतना तेज तो नहीं है जोर पकड़ा गया कैलकुलेशन तो इतना तेज नहीं कर सकते सर वो 19 का टेबल था तो जल्दी जल्दी बिलासपुर के लोग चोर निकले कोई ना वेरी गुड वेरी गुड चोरी आपको जल्दी आंसर चाहिए था ना तो हमने दे दिया एनीवे बेटा मैक्सिमाइज करना था हां जी आ गया सर ये क्या लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू इज 12.33 एट पॉइंट वैल्यू is 160 upon 19 12.23 and occurs at 20 by 19 19.45 by 19 12.23 na occurs wah sir main kya likh raha hu kya likh rahe ho sir aap occurs at b sorry 20 by 19 and 45 by 19 baat samajh mein aayi haan ji yes sir bilkul aa gayi sir chamak gaya बस यही तो करना है सर हर बार यही करना है हर बार यही करना है पहला स्टेप डब्बा बनाओ ठीक है लिखना का काम ही नहीं है भाई साहब किधर भी काम नहीं है ठीक है डब्बा बनाओ अच्छा यूनिक सॉल्यूशन क्यों बोला मैंने क्योंकि बेटा यूनिक सॉल्यूशन में ये होता है कि आपका मैक्सिमम वैल्यू या तो मिनिमम वैल्यू सिर्फ एक ही मिलेगा और शायद हमारा आंसर भी एक ही जगह है देख लो आप अच्छा मैं दूसरा लाइन बता रहा था ना वो दूसरा मेथड बता रहा था आइसोप्रॉफिट मेथड वो क्या होता है सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी बता रहा हूं सुनिए क्या होता है बेटा हम लोग क्या करते हैं सुनना ध्यान से कि फिजिबल सॉल्यूशन के अंदर फिजिबल रीजन के अंदर हम एक कोई भी पॉइंट कंसीडर करते हैं कोई भी पॉइंट कंसीडर कर रहे हो सर पॉइंट कंसीडर करना बहुत डिफिकल्ट है नहीं डिफिकल्ट कौन बोला डिफिकल्ट इधर 3 मैक्सिमम है इधर 2 मैक्सिमम है तो अंदर क्या आ सकता है क्या 1.1 आएगा आएगा सर 1.1 इधर ही आएगा ना हाँ जी आएगा सर 1.1 मान लीजिए अब 1.1 ये आप रखिए यहां पे कोई भी दो इक्वेशन में पुट कर दो कोई भी दो इक्वेशन में पुट कर दो आप 1.1 समझिएगा ध्यान से ठीक है मैं बाद में मिटा दूंगा उसको बस बता रहा हूं क्योंकि वो टेक्निक इससे बहुत अच्छा है एक पॉइंट मान लो 1.1 आपने ये ले लिया अब जैसे ही 1.1 लोगे तो आपको एक लाइन प्लॉट करना होता है ये हो गया आप इसको बोला जाता है इनिशियल आइसोप्रॉफिट लाइन बोला जाता है इसको अब इस लाइन के पैरेलल समझिएगा ध्यान से इस लाइन के पैरेलल आपको क्या करना होता है बेटा एक लाइन ड्रॉ करना होता है अब बात आती है सर जब लाइन ड्रॉ करना है तो हम तो पैरेलल ऊपर भी कर सकते हैं और नीचे भी कर सकते हैं तो हमें कौन सा करना है बेटा आपको करना होता है अवे फ्रॉम द ओरिजिन क्यों क्योंकि मैक्सिमाइज करना है तो इस लाइन के पैरेलल हम पहले प्लॉट करेंगे बेटा एक अरे रे 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 यहां पे आ जा एक लाइन मान लो मैंने ये प्लॉट किया सेम टू सेम पैरेलल फिर ये प्लॉट करूंगा ऐसा समझने के लिए आप ये कर सकते हैं कि इस लाइन को आपको ऊपर शिफ्ट करते जाना है करते जाओ जहां पे एक्सट्रीम वैल्यू टच कर दिया इसने देख रहे हो ना फिजिबल रीजन का सबसे एक्सट्रीम पॉइंट बी है देख रहे हो लाइन सबसे ऊपर किसको टच किया बी को तो गारंटी है कि यही वाला पॉइंट आपको मैक्सिमम वैल्यू देके जाएगा बात समझे कि एक पॉइंट कंसीडर करो अवे फ्रॉम द ओरिजिन प्लॉट करते जाओ जो सबसे एक्सट्रीम पॉइंट मिल जाए वही आपका मैक्सिमम वैल्यू वाला पॉइंट होगा गारंटी है तो ये है ना तो बड़ा जल्दी पता लग जाएगा बहुत जल्दी निकल जाएगा अच्छा ये करने से फायदा क्या होता है वो सीखो फायदा ये होता है बेटा कि हमने जो इतने सारे पॉइंट्स पे निकाला है ना जीरो पे ए पे बी पे सी पे अब नहीं निकालेंगे अब सीधा कहां पे निकालेंगे डायरेक्ट बी पे बात समझे तो वो मेथड इससे तगड़ा है सिलेबस में नहीं है फिर भी सीख लो इसलिए बोलो ना कि कनेक्टेड है दोनों बस हमको क्या करना होता है यहाँ पे ये ऑप्टिमाइजेशन के लिए ये पॉइंट्स निकालने होते हैं उसमें पॉइंट्स नहीं निकालना होता है आपको सीधा सीधा लाइन पैरेलल ड्रॉ करो ऊपर लेके जाओ जो सबसे एक्सट्रीम पॉइंट हुआ वर्टेक्स हुआ उसको टच किया वही पॉइंट आपका ऑप्टिमम बोल सकते हैं आप तो मैक्सिमम अगर करेगा नहीं तो मिनिमम अगर करेगा मैक्सिमम और मिनिमम के लिए ऊपर नीचे लाइन को करते हैं ये अलग चीज है बात समझ में आया बच्चों अगर मिनिमम हो तो निचली साइड आएगा ठीक है कहीं पे तो टच करेगा कहां पे करता है 0.0 पे करेगा और शायद कर भी रहा था 0 पे
जी जीरो ये इसका मिनिमम वैल्यू कर रहे हैं। सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी ग्राफिकली, यू हैव टू डू माय योरसेल्फ, ठीक है मेरे को मत बोलना। अच्छा मल्टीपल सॉल्यूशन वाला बात करते हैं, ये एक एमसीक्यू है बहुत जबरदस्त, इसको जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम लोग बाइंड अप कर देंगे, सीधा सीधा बाइंड अप, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चंस है ना। अच्छा एक क्वेश्चन और करेंगे कोई ना, फिजिबल वगैरह वाला भी बता देना। फिजिबल रीजन वाला ही तो है ये वाला, नहीं नहीं जो दूसरा वाला था ना इनफिजिबल वाला वो वाला। अच्छा अच्छा वो वाला ना, हाँ करेंगे, हर एक टाइप की एक इक्वेशन करा दूंगा आपको, ठीक है ये कर लेना, ठीक है ये आपका यूनिक सॉल्यूशन का सिग्नल लेंगे। हर दूसरा क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, याद रखना हर दूसरा क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन आपका होमवर्क है। पीडब्ल्यू मतलब फिजिक्स पर मत समझना, एचडब्ल्यू लिखो तो नहीं प्रैक्टिस वर्क। ओके पीडब्ल्यू अच्छे लोग दिया जाता है यार, फिजिक्स वाला ना मतलब कॉपीराइट मारेंगे बिल्कुल, चैनल बैन कराते हैं। हाँ ऐसा काम मत करना। द कॉर्नर पॉइंट्स बेटा एमसीक्यू है, थोड़ा देख लीजिए मजा आ जाएगा आपको। द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर कंस्ट्रेंट, कुछ ये रहा। और बेटा इसके कॉर्नर पॉइंट्स आपको निकालने हैं क्या? बिल्कुल नहीं निकालना है सर, क्यों दिया है, दिए हुए हैं, कुछ जेड दिया है और बोल रहा है यस सर, कंडीशन निकालिए सो दैट मैक्सिमम ऑफ जेड ऑकर्स एट पॉइंट, ध्यान से समझिएगा, मैक्सिमम ऑफ जेड ऑकर्स एट पॉइंट 3, 4 and 0, 5, इसका मतलब समझे दया क्या समझे कि वो 3 और दो जगह पे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। अब एक बात बताइए कि अगर दो जगह पे मैक्सिमम वैल्यू दिया तो क्या सिर्फ दो जगह पे देता है कि पूरे लाइन सेगमेंट पे देता है? पूरे लाइन सेगमेंट, पूरे लाइन सेगमेंट पे देगा सिर्फ, मतलब देखो अगर जैसे ही आपने देखा कि दो एक से ज्यादा आपको मैक्सिमम वैल्यू आ रहे हैं तो आप समझ जाओ कि पूरे लाइन सेगमेंट वाले सारे पॉइंट्स मैक्सिमम वैल्यू देखे जाएंगे, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, या तो यूनिक होगा या तो इनफाइनाइट या तो नो सॉल्यूशन, ठीक है जी। बात वही है बेटा जी जो हम लोगों ने मैट्रिक्स में सीखा है सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन में, या तो यूनिक सॉल्यूशन या तो नो सॉल्यूशन या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, वही चीजें यहाँ पे क्या किया जाएगा मुझे कोई बताएगा? हाँ जी करने की बात नहीं, ये वाले पॉइंट क्या ग्राफ बनाएंगे? हाँ जी ये जो पॉइंट्स हैं ग्राफ क्यों बनाएंगे बेटा? ग्राफ क्यों बनाना? अच्छा एक बात बताओ, ग्राफ हम लोग बनाते क्यों हैं? कॉर्नर पॉइंट्स निकालने के लिए, कॉर्नर पॉइंट दिए हुए हैं तो बनाने की जरूरत नहीं। टेप नंबर 2 डायरेक्ट जाओ डब्बा बनाओ काम खत्म, ठीक है जी। हाँ जी सर, तो डब्बा कैसे बनेगा सर? डब्बा बनेगा ऐसा, डब्बा बनेगा फिर उसमें 5 ना ना नहीं नहीं वो उसमें कॉर्नर पॉइंट डायरेक्ट हम लोग ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालते हैं ना। तू गिर जा भाई, गिर जा। क्या टूटा ये गंदा आदमी, गलती से कुछ टूटा ना तो मैं तुम्हारा नाम क्या रखूंगा मालूम है? क्या वाला जुबान, कोई नहीं हाँ सर रख देना इसका, बड़ा अच्छा लगेगा। हाँ इंटरेस्टिंग। चलिए जी पॉइंट कौन कौन से हैं बेटा जी? पॉइंट है सर 0.0, 0.0 याद कर लो जीरो पक्का कर लिए, चलो बोलो 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 0.0, 5.0, 3.4 मैक्सिमम वैल्यूज ऑकर कर रहा है तो मैक्सिमाइज करना है जेड इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई को, यही करना है। यस सर यस सर यही करना है। पहला 0 क्या ही बताऊंगा ये कितना आएगा? 5 क्यू आएगा सर, 5 आएगा। सीधा सीधा एक बात बताओ,
कि अगर 3.4 एंड 0.5 पे इसका मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है तो क्या दोनों इक्वल आएंगे? यस सर। अगर डिफरेंट आ जाएंगे, अब मान लो ये आ गया कुछ 10 और ये आ गया कुछ 12, तो बेटा मैक्सिमम वैल्यू अब ये हो जाएगा ना, अब थोड़ी 10 रह जाएगा। यस सर। तो यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। तो आपने दो पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू दिए, इसका मतलब सर दोनों सेम है। यस यस। और ये भी 10 आ रहा है और ये भी 10 आ रहा है, तब बोलोगे ना सर कंपेयरिंग 1 एंड 2। तो क्या करेंगे हम लोग जल्दी बताओ? तो इसमें लिखेंगे ना, देखो एमसीक्यू में लिखना होता नहीं है, अगर लिखना होता तो लिखते हैं क्या 3p plus maximum values occurs at point 3.4 and 0.5, that means 3p plus 4q equal to 5q होगा ही होगा, must be equal, इसका मतलब समझे दया? हाँ जी सर, क्या 3p is equal to q। ऑप्शन देखो, टिक मार दो, कौन सा ऑप्शन? चौथा चौथा फोर्थ, q is equal to 3p। तो एमसीक्यूज में बनता है, ध्यान रखो ना सवाल इस पे, ये मत सोचना कि सर एमसीक्यू में कैसे आएगा, इतने बड़े बड़े ग्राफ और एमसीक्यू। सर आप सिर्फ ऐसा बताओ ना, वो जो आपने दो वैल्यू मतलब ऐसा बोला ना कि वो सेम सेम आएंगी, वो एक बार पॉइंट रिपीट करना कहां से बोला। मान लो बेटा कि आप यहाँ पे, समझना ध्यान से, कि आप यहाँ पे वैल्यू निकाले, ये 0 आया, ये 10 आया, ये 12 आया और ये भी 12 आ गया जी। आप इस बार आपके मैक्सिमम वैल्यू कहाँ कहाँ पे आए? दो पॉइंट्स पे, बी एंड सी पे, ठीक है। अगर 12 नहीं होता और मैं लिखता बेटा ये 0 है, 10 है, ये 12 है, 13 है, तो इस बार मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ रहे हैं? 13 पे, सी पे। अगर दो पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आया या मिनिमम वैल्यू आया, इसका मतलब तो यही हुआ ना सर दोनों सेम है जी। क्योंकि गलती से अगर आपने एक ज्यादा एक कम लिया तो मैक्सिमम और मिनिमम अब थोड़ी इक्वल हो, तो सिंगल पॉइंट हो गया। समझे? अब यहाँ पे थोड़ी आप बोलोगे सर बी एंड सी दोनों पे मैक्सिमम वैल्यू, तो जब तो वैसे तो आप इधर भी बोलो, बात समझे आप? हाँ जी समझ गए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो पॉइंट सेम ही होगा सर। फिर ये जो 3.4 और 0.5 है क्वेश्चन में इंक्लूड करके दिया है। हाँ, अच्छा आपने क्वेश्चन ही पढ़ा? नहीं मेरे को ना, वाह वाह सर ऐसा कुछ नहीं है, मैंने देखा है ना, सीधा लिखा था इसने, एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, वो मैक्स ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं और इस डिसीजन वेरिएबल को आपको मैक्सिमाइज करना था, और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ रहा है? 3.4 एंड 0.5 पे, गिवन। सीधा सीधा बात है ना बेटा कि सारे आप इधर निकाल दो। यस ये तो मैं समझाने के लिए किया, जीनियस बच्चा वो भी नहीं करेगा, वो मालूम है क्या करेगा, उसको मालूम है कि सर अगर दो पॉइंट में मैक्सिमम वैल्यू ऑकर हुआ तो रख दो और उसके बाद वो सिर्फ वही पॉइंट रखेगा। मैं तो सर ये डब्बा क्यों बनाया बेटा, समझाने के लिए। ओके सर, बात समझ में आई? आ गई सर। हाँ, इसलिए ये और ये इक्वेट किया गया, नहीं चमका सर, सर चमक गया। कौन किसकी तरह चमका? डायमंड की तरह। अच्छा अब एक बात बता रहा बेटा, ध्यान से समझना, अगर ये गलती से दो जगह पे मैक्सिमम वैल्यू दिया तो इसका मतलब ये होता है कि सर ये सिर्फ दो जगह पे नहीं दिया, वो अब इनफाइनाइट जगह पे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो, सुना ध्यान से, यहीं पे समझा रहा हूं कि मान लो बेटा अगर ये बी पे भी 12 दे रहा था, सी पे भी 12 देता, तो बी एंड सी कहाँ पे है? बी और सी ये है, ये देख रहे हो आप लोग? Yes, जरूरी नहीं है कि सिर्फ बी पे ही देगा और सी पे ही देगा, नहीं नहीं बिल्कुल, इनके बीच में जो पॉइंट है, बीच में जितने सारे पॉइंट्स हैं वो सारे मैक्सिमम वैल्यू देके जाएंगे। मतलब या तो नो सॉल्यूशन, या तो यूनिक सॉल्यूशन, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन तीन सॉल्यूशन होता ही नहीं है हमारे लीनियर इक्वेशन में, मैट्रिक्स में भी नहीं होता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जहां पे भी पढ़ोगे आपको नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तीन ही चीज से डील करना है और कुछ नहीं। बात समझ में आई? मल्टीपल सॉल्यूशन, मल्टीपल सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया बेटा, सीधा सीधा क्या, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और वो पूरा का पूरा अलोंग द लाइन आएगा, लाइन, दो और दो से ज्यादा पॉइंट्स आएंगे। यहाँ पे कुछ आ रहा है नो सॉल्यूशन का मतलब कि दोनों साइड एक ऊपर को जा रहा है, एक टुवर्ड्स द रीजन आ रहा है, एक अवे फ्रॉम द रीजन आ रहा है, इसको बना दे, और नो फिजिबल रीजन बना दो, इसको बना दे, बना दो। यस सर, कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला काम डब्बा, डब्बा फिर पांच बनाएंगे, खींचेंगे बेचा, पांच तो रो बनेगा ही बनेगा, लेकिन कॉलम बनाते जाएंगे ना, जरा ध्यान देना ठीक है, सामने वाला तीन तीन चार इक्वेशन भी देता है कभी कभी। हाँ सर,
तो अगर डब्बे का आपको मालूम रहेगा कि पहले में क्या लिखा जाता है, तो हाँ जी, पहले में तीन इक्वेशन, पहले में इनइक्वालिटी लिखी चार जाएगी। पांच, कितने इक्वेशन है? एक, दो, हाँ, दो हैं, तीन फिर कॉलम डब्ल्यू। बनेंगे, तीन आपको तीन। कंस्ट्रेंट वाला इक्वेशन देखना होता है, क्योंकि फिजिबल सॉल्यूशन, फिजिबल रीजन आपको कंस्ट्रेंट वाले लाइन से निकलते हैं। यस सर, तो जेड का काम सेकंड स्टेप में आता है, जब ऑप्टिमम मतलब ऑप्टिमाइजेशन की बात। कॉर्नर पॉइंट्स, हाँ जी, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा जरा जल्दी बताओ। इनइक्वालिटी लिखी जाएगी। इनइक्वालिटी। ये देखो आंटी जी निकाल रही हैं पेपर और वहां से देख के बता रही हैं। टेपा नहीं टेपा। सर, नहीं 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 जरा याद था मेरे को, सच में बोल रही। अच्छा, इनइक्वालिटीज के बाद बताओ। कॉरेस्पॉन्डिंग वाला क्वेश्चन, कोरस्पोंडिंग इक्वेशन, उसके बाद तो सभी को पता है पॉइंट आएंगे, पॉइंट, फिर उसके बाद वो 0-0 पुट करेंगे दोनों में, जीरो जीरो पुट उसके करेंगे, बाद फिर क्या अवे आएगा? फ्रॉम द पॉइंट रीजन टुवर्ड्स द रीजन, पॉइंट, उसके पॉइंट्स आएंगे। प्लूरल बाद आता है बेटा, ऑरिजन। सिंगुलर नहीं। पॉइंट हाँ, इंग्लिश टीचर इंक्लूड किया, आंटी दो जी, मिलेगा ना, क्या तो यहाँ बोला पे क्या हो सर? जाएगा? आगे बोलो, पॉइंट के बाद ऑरिजन टेस्ट, ओरिजिन, ओरिजन, ओरिजिन टेस्ट, ये आपको हमेशा करना है, ठीक है? हाँ उसके जी यस बाद सर, वो करते ही हैं। फिजिबल फिजिबल रीजन वाला वाला, रीजन टुवर्ड्स द की अवे, ट्रू है कि फॉल्स है? फिजिबल रीजन। तो एक डब्बा मैंने फालतू में बनाया था। यस हाँ सर, मैंने वही सर, कहने से, मेरे 6 डब्बे हो गए हैं। ये होता है टीचर के ऊपर अंधाधुंध विश्वास करना। तो क्या डब्बा आप ज्यादा बनाने से बेटा मार्क्स नहीं कटते हैं? देखो ला सर, आपकी बेइज्जती कर रही है। सर ये मैंने बहुत ऐसा बोला ना, भाई 5 बना रहे थे तो बहुत एक गंदे लोग एक्स्ट्रा हैं। बन गया। एक्स हम लोग प्लस को समझ वाई नहीं कि कलयुग इतना जल्दी खत्म क्यों हो रहा है, जल्दी खत्म सर, हो रहा है। उससे अगला लिखो आप कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 8, एक्स दूसरे प्लस डब्बे वाई इज इक्वल टू में 8, 3x+5y इज इक्वल टू 18, तू ही बोलिए, एक्स 0.8, 8.0, फाइनली 0.8, बोल दो। 8.0, ओहो क्या बात है, सर अब जीरो अगले में बताएगा। 0.6, और अब मेरी नहीं बात सुनो, अब मेरी बात कैसा सुनो, 18.6 0.6 खत्म, अब क्या बोल मेरी रहे बात हैं? सुनो, ठीक है? सुनाओ। अगर x प्लस वाई इक्वल टू 8 है, 0.8 और 8.0 का ज्योमेट्रिकल मतलब क्या होगा बताओ? कि बहुत बोल रहे थे उसके आप बताओ पता नहीं। बेटा, इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट इक्वल अच्छा, दया है, इसका मतलब समझे दया? इधर कोई भी नहीं। इसका मतलब ये है कि बेटा एक परफेक्ट राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। अभी हाँ, ओह माय समझे? गॉड। फोटो बनाकर देख लो, इधर 0.8 इधर हाँ सर, 8। समझ समझ गए गए समझ समझ गए, अब गए याद समझ आया। गए हाँ समझ गए, इतना तो दिमाग चला लिया करो। क्या नहीं सर, इतना चलता ही नहीं है, करें असर। बहुत मुश्किल। और सर बेटा ये लो, उल्टा चोर कुत्ता को डांटे, वाह 0.6, बल्कि मेरा चलता है। ये कितना आ रहा है? सर सिक्स इसमें कॉमा तो जीरो 0.6, 0 ओरिजिन टेस्ट, 0+0 > 8, जीरो वाह प्लस जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू ये एट। फॉल्स हो जाएगा सर ना, फॉल्स हो सर ये जाएगा फॉल्स हो और जाएगा, अवे अगला फ्रॉम द वाला ओरिजिन हो ट्रू हो जाएगा, जाएगा, बाय बाय। नॉन ओरिजिन साइड। यस सर, अरे आगे बोलो सर, उससे अगला सर, ट्रू हो जीरो प्लस जाएगा, जीरो 0 लेस लेस देन देन इक्वल टू इक्वल टू 18, एटीन ट्रू ओरिजिन ट्रू। साइड टुवर्ड्स ओरिजिन। थोड़ा धीरे बोलो, कान फटे आप अपने फोन का आवाज कम कर लो, सर आपकी कम आती है उसकी। देश आजाद है, क्या पता राइट टू गांधी ऐसा कल के स्पीक, दिन सत्याग्रह करने चला जाइए अभी, कि मेरी हाँ आवाज को जी, दबाया जा रहा है इंडिया में। हाँ और क्या सर, सर, मैं धरना दे दूंगा। धरना दे देंगे, नया अन्ना निकल लेंगे बेटा। कोई ना चलो सर, आपको साथ में बैठाऊंगा। मैं क्यों भाई, मेरी आवाज को नहीं दबाया जा रहा है, हाँ सर, मैं क्यों जाऊंगा आपके साथ, वो भी ठंडी में, राहुल गांधी दिख रहा हूं आपको। सर आप भी दाढ़ी पाल लो उसकी तरह। भाई साहब वो, चलो ठीक है, नो पॉलिटिक्स टॉक, लेट्स टॉक अबाउट मैथ्स ओनली। 0880, पप्पू नो कमेंट, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, सच में हाँ सर, कुछ एक्स्ट्रा ही सर, दिमाग सिक्स है। पैक है बंदे देखो तुम लोग के चलते मैं के। क्लीन सर दिखा आपने ना दिया, पॉइंट्स गलत लिखे हैं। कोई ना सही कर लूंगा मैं, हाँ सर, नजर ना लगाओ। 8.0,
चलिए जी, ये किधर को मिलेगा? सर निचली साइड, राइट एंगल ट्राइंगल। वैसे राइट एंगल ट्राइंगल बेटा ये नहीं भी होता ना तो सारे मिलते तो क्या हुआ? आपने बोला था ये भी तो राइट, 5 सेकंड पर। हाँ है, नहीं है, हाँ है, मतलब परफेक्ट परफेक्ट। इंटरसेप्ट अलग अलग है, इसमें इक्वल है। ठीक है, एक बहुत ही प्यारा सा राइट कर लो। चलिए जी आगे आते हैं बेटा, ये कौन सा है? नॉन ओरिजिन साइड। इसका मतलब जी ऊपर जाएगा, उपली साइड होगा इसमें। उपली नहीं, ऊपर, 3 point something। तो बोल रहे उपली साइड, ऊपर साइड। सेवन नहीं कर गया था ना फ्लॉप। इसका नॉर्थ ईस्ट है कुछ भी पागल सर, स्क्रीन के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट है, लगा लो साहब। बेटा तुम्हारा डिवाइस कहीं अलग होगा, मेरा डिवाइस कहीं अलग डायरेक्शन में। आपका नॉर्थ वेस्ट रख लो तो सर। अभी आप भी नॉर्थ में हो वैसे। रुक जाओ, नहीं नॉर्थ ईस्ट है सर, बिल्कुल नहीं। हाँ नॉर्थ ईस्ट है ना, कितने एग्री करते हैं? मेरा नॉर्थ पे 0 degree पे मेरा टैबलेट रखा है। ओ एग्जैक्ट 0 degree है। अरे सर ग्राफ की लाइन की बात हो रही है, अभी कर दिए बकवास सर। मैंने नहीं की, आप खज्जड़ हुए। 0.18/5 मतलब कहाँ पे मिलेगा? चलो ये मिलेगा 0.3 में आएगा सर, मतलब ये कुछ इसके अंदर ही मिल जाता। ये सर अंदर ही। और ये कहाँ पे मिल रहा है? नॉर्थ नीचे साइड, निचली वाली साइड, नॉन ओरिजिन साइड। इसका मतलब साउथ वेस्ट हो गया सर। ये वो वाला बन गया ना, बेटा लोग इनफिजिबल बनेगा ना ये वाला, इनफिजिबल, नो सॉल्यूशन, पेंट करने की जरूरत नहीं। पर्टिकुलर क्वेश्चन हो गया ना, हम लोग क्या लिखेंगे? क्या हमको पॉइंट प्लॉट करना है, कॉर्नर फाइंड करना है? नहीं सर, नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। नो कॉर्नर पॉइंट्स। हां हम लोग क्या लिखेंगे यहां पे? नो सिंस नो फिजिबल रीजन, रीजन देयरफॉर नो कॉर्नर पॉइंट्स, देयरफॉर नो मैक्सिमम मिनिमम, नो फिजिबल रीजन। यस सर, नो कॉमन वैल्यूज, या मैं लिख सकता नो कॉमन सॉल्यूशन। दैट मींस देयरफॉर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन लिख सकते हैं। और हम लोग लिख सकते हैं कि देयर इज नो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम, हाँ नो मैक्सिमम और मिनिमम लिख सकते हैं हम लोग। या हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर नो सॉल्यूशन। बात समझ में आई? यस सर। तो आज हमने क्या पढ़ा बेटा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी पढ़ लिया और जीरो सॉल्यूशन, नो जीरो सॉल्यूशन बेटा, जीरो सॉल्यूशन। अलग ही दिमाग हो गया था यार तुम लोग, क्या करें। इस बाद अनबाउंडेड रीजन का केस मैं कल डिस्कस करूंगा, ठीक है? ओके सर। यस सर। बेटा सर, तब तक उस वाले लास्ट वाले क्वेश्चन को एक बार बताना, मतलब बस ऐसे रखना सर, थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर, बस बस सर। हाँ सर, एक मिनट में कोई इक्वेशन। तो पहले भी जानते रहोगे, बनाते रहोगे सर। इक्वेशन लिखने दो बस, बाकी कुछ नहीं चाहिए मेरे को। मैं पीडीएफ भेज दूंगा ना। क्यों क्यों कष्टी जब पांडे जी इज ऑन फायर? कोई गाना बजा रहा है किसी के लाउड स्पीकर रेडियो लगा है। अच्छा देखो, अब मेरी बात सुन लो, ठीक है? कल कल तो मेरा लेक्चर नहीं है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एलपीपी खत्म कर देंगे। तो okay, बेटा sir. एक काम तो जरूर करना कि सारे क्वेश्चन का ग्राफ प्लॉट करके लाना, ठीक है? okay, कोई आलसी के नहीं करेगा। हां जी डन सर। और मेरे को ग्राफ अच्छे से बनाकर भेज देना कि ताकि okay, मैं डायरेक्ट आपके ग्राफ का फोटो निकाल कर और पीपीटी पे चिपका दूं, पीडीएफ पे चिपका, ठीक है? जिसका अच्छा होगा फिर सर उसका बताना भी, अब बहुत सुंदर था। हां और आप लोग ग्राफ पे साइन कर देना कि ये ग्राफ मेरा कहीं पे भी यूज हो सकता है, हम कॉपीराइट नहीं। ओके सर, पक्का सर, कॉपीराइट नहीं करेंगे। कंसेंट कॉपीराइट, मैं तो सारे राइट्स क्लेम करूंगा। नहीं फिर आपका नहीं चिपकाया जाएगा इधर, दिस इज वेरी बैड। कोई नहीं, मान नहीं रो।